नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। और आपके 8 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। आज मंगलवार का दिन है, लेकिन किसके लिए मंगल और किसके लिए मंगल साबित हुआ ये आपसे छुपा हुआ नहीं। देश में चारों तरफ से सिमट रही कांग्रेस को आज मानो बल सा मिल गया हो। उम्मीद जग गई है कि समय का चक्र घूम रहा है, पहिया घूम रहा है। राज्य में कांग्रेस ने ज्यादातर निकायों में बोर्ड तो बना लिया, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति से भी बीजेपी को बैकडोर में डाल दिया। ऐसे में आज चर्चा, क्या कांग्रेस अब डिफेंस की जगह अटैकिंग मोड में आ चुकी है या फिर अति आत्मविश्वास में बीजेपी रणनीतिक चूक कर बैठी है। इसी पर चर्चा मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। कहते हैं मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ऐसे में सियासी हाथी की कीमत और ज्यादा हो जाती है। मुल्क से मुट्ठी भर में सिमटी कांग्रेस अब अपने हाथों को फैलाने लगी है। राजस्थान के निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस ने नगरपालिका अध्यक्ष, मेयर और सभापति बनाने में भी अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है। रिजल्ट आए हैं, उसमें 49 जगह जो जहाँ चुनाव हुए वहाँ उनमें से 36 जगह कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होना, ये कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं की, सरकार के 11 महीने के कामकाज की ये जीत है। हार से हताश बीजेपी के हाथों में आरोपों की सेवा कुछ बचा नहीं। कांग्रेस इस समय एक संकट के दौर पे है, नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है और मुद्दा विहीन है। तो महाराष्ट्र के रण में भी कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि बीजेपी रण छोड़कर ही भाग गई। विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी का पाया कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के दाव से टूट गया। आज श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। निश्चित रूप से हम नेता चुनेंगे, वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। और ये बात सच है कि अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। राजस्थान और महाराष्ट्र में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी सोच में डूबी है। मंथन के पैमाने में चूक की माप हो रही है। गलती कहां हुई जो बीजेपी अब तक विजय रथ पर सवार होकर हुंकार भर रही थी, उसकी हालत हार की वजह से पतली है। ऐसे में सवाल है, क्या अति आत्मविश्वास में बीजेपी रणनीतिक चूक कर बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार का धोबी पछाड़ अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक तीर से कितने निशाने साधे उन्होंने। ये समझने के लिए आपको सोचना होगा हर एक एंगल से। लेकिन कांग्रेस की भूमिका महाराष्ट्र में भी डोमिनेट दिखाई दी और खासकर राजस्थान में तो जिस तरीके से वापसी करती दिखाई दे रही है, लग रहा है कि अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी कांग्रेस अभी से करती हुई आगे बढ़ रही है, कदम आगे मजबूत करती जा रही। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, एक एक करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे सवालों पर। पंकज मीणा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, ओम सैनी साहब राजनीतिक विश्लेषक है, सत्यनारायण सिंह जी कांग्रेस विचारक है और चंद्र सिंह कोठारी साहब पूर्व मेयर हैं उदयपुर के, जो इस बार बीजेपी के खाते में यह सीट गई है और इसके पहले भी बीजेपी का बोर्ड था। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज मीणा जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, कांग्रेस कहा जाए तीनों फोर्स ने मिलकर आपकी सरकार को गिरा दिया और यहां पर स्थिति यह थी कि 36 पर पहले आपका कब्जा था, आप लुढ़क कर 12 पर आ गए और कांग्रेस 11 से आगे बढ़कर 36 पर पहुंच गई, यह संकेत क्या है बीजेपी के लिए? देखिए, हार जीत को एनालिसिस हम मैं सेकंड फेज में करूंगा, पर पहली चीज याद दिलाना चाहूंगा, 2019 के नगरीय निकाय चुनाव राजस्थान के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे तानाशाही के लिए, दबंगई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए।
और चुनाव के हर फेज के ऊपर, हर स्तर के ऊपर कांग्रेस ने जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ये वाकई हमेशा राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा घटनाक्रम के साथ में, मकराना के अंदर कांग्रेस का एक पार्षद कैंडिडेट विजेता घोषित नहीं होता उससे पहले उसको शपथ दिला दी जाती है। अलवर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जहां कैंप किए हुए थे, जहां उनका ब्याज वर्ग चल रहा था, वहां के लोकल मंत्री, लोकल क्षेत्र के मंत्री पुलिस की कस्टडी के अंदर आते हैं और वहां उनको पार्षदों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। सर एक सवाल, उदाहरण भरतपुर का, पंकज मीणा जी एक उदाहरण मेरा सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक उदाहरण मैं दूंगा भरतपुर का, सुनेंगे कोई चर्चा फिर आपका काउंटर में चाहूंगा। हां नहीं आप दीजिए, आप मेरी पूरी बात सुनने के, आप मेरी पूरी बात सुनने के बाद जरूर दीजिएगा। तीसरा उदाहरण दूंगा मैं नदवई का, रूपवास का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका चेयरमैन बन गया, उसको जबरदस्ती वहां के लोकल मंत्री ने धमका के उसको कांग्रेस ज्वाइन करा दी। चौथा उदाहरण दूंगा जैसलमेर का, जहां पे निर्दलीय व्यक्ति नगर परिषद का चेयरमैन बनता है और जीतने के बाद में, ठीक है सर समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, सत्यनारायण जी इसका जवाब दीजिए, और उसको कांग्रेस ज्वाइन करा दी गई। ये जीत आम जनता की वजह से, आप जनता के दिलों में कांग्रेस की जगह की वजह से नहीं है, बल्कि बीजेपी का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग है। सत्यनारायण सिंह जी आवाज आ रही है मेरी क्या आपसे? देखिए बीजेपी के पास इस बात के कहने के अलावा और कोई बात ही नहीं है। इनका संगठन कमजोर रहा, इनका कोई नेतृत्व नहीं रहा, इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही, और गए साहब पुराने समय में इनके बहुमत में थी सारी की सारी ये नगर पालिकाएं और नगर परिषद, वहाँ इनका काम सही नहीं रहा, ठीक नहीं रहा, जनता में असंतोष रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ में कार्यकर्ताओं से बात करके, पदाधिकारियों से बात करके, लोकल लीडर से बात करके पार्षदों को चुना और उन्होंने जो नीति सरकार की है उसको जनता तक पहुंचाई और लोगों में आज की तारीख में विश्वास है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। सर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी ने आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की वजह से और चीजों को मैनिपुलेट करके ये जीत हासिल हुई है। मुझे याद है भरतपुर में अभी 3-4 दिन पहले एक बयान आया था, बीजेपी के ही पदाधिकारी का बयान था कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, पैसे की वजह से सब कुछ होता है। आरोप लगाने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। अलवर में इनके पार्षद के पास 3 लाख से ज्यादा इकट्ठे हुए जो कि वहां से आया था अपने बीजेपी के कैंप से, और ये तो कहने की बात है कि वहाँ दवालिया वो कल्ला जो कांग्रेस का असंतुष्ट था जैसलमेर में वापस कांग्रेस में आ गया, और जगह जो नेतृत्व को लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस ही हमारा विकास कर सकेगी, नगरीय विकास कर सकेगी, उसकी नीतियों से हम आगे बढ़ सकेंगे, उन्होंने जिस प्रकार के कार्य अभी किए, नीतियां अपनाई है और सवर्ण और ओबीसी और सब लोगों को एक तरह से विश्वास दिलाया है। ये तो कांग्रेस के पहचान रही है सर, बावजूद हर बार देखा जाता था कि शहरों की सरकारों के कांग्रेस पीछे हो जाती थी, संगठन ने काम कर सका, न इनका कोई नेतृत्व है और न ही इनकी कोई नीति रही है। हर बार ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ओम सैनी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, विश्लेषण जरा बताइए, कांग्रेस बिल्कुल रिवर्स चली गई, कहा जाए कि पिछला जो मेयर का चुनाव होता था, पिछला जो निकायों का चुनाव था, यही आंकड़ा उल्टा था, 36-11, इस बार 36-12 उल्टा हो गया, कांग्रेस 36 पर चली गई, बीजेपी 12 पर आ गई, क्या ये पहिया घूम रहा है? कांग्रेस अभी से तैयारी कर रही कि अब मौका नहीं दे रहा है अशोक गहलोत पर, ये अशोक गहलोत पर कांग्रेस के ही नेता ये कहते आए हैं कि सत्ता में रहने के बाद अगली सत्ता को ये वापस नहीं ला पाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत लगता है कि इस बार करिश्मा करने की पूरी तैयारी में है क्या? देखिए संगठन और सरकार में अगर समन्वय होता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, और सरकार और संगठन का जो समन्वय इस वक्त इस निकाय चुनाव में देखने को मिला उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस बिल्कुल जमीन से उठ करके और 36-37 निकाय उसने हासिल किए हैं, तो 6 से बढ़ के ये होना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि देखिए ये जंगल राज तो है नहीं यहाँ पर, जैसा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि बड़ा
बड़ा गलत हुआ है, लोगों को जबरदस्ती ले जा करके और वोट दिलवाया गया या उनका बदल दिया गया, ऐसा ऐसा कुछ जंगल राज नहीं है। अब कानून का राज है तो कानून के राज में इसके बहुत सारे रास्ते हैं, रोका जा सकता था और मीडिया काफ़ी चैतन्य है, इन सब चीज़ों को लेकर के जागरूक है और ये सारी बातें सामने आ सकती थी। लेकिन साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि लोगों की जो प्रतिबद्धताएं हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जर्नल देखा ये, कांग्रेस में भी देखा और भारतीय जनता पार्टी में देखा, जिस तरीके से लोगों ने अपना अपना लगाव और प्रतिबद्धता बदली है वो बड़ा चिंता का विषय है। नहीं सरी साहब, एक चीज है, बीजेपी के आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं, मेरे ही समझ से परे है सर। मैंने अभी जिक्र किया कि चार दिन पहले, पांच दिन पहले यह बीजेपी के ही किसी पदाधिकारी का बयान आया था कि कांग्रेस जो जयपुर में बैठे नेता वो खुद नहीं चाहते थे कि भरतपुर में वोट बने। पैसे की वजह से सब कुछ हो सकता था, पैसा एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से वोट बनाया जा सकता था, लेकिन सोचिए कैमरे पर यह खुलकर बोलना है, उसके बाद बीजेपी कहे कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, ये करनी और कथनी दोनों में अंतर हो जाता है। संजय ठीक कहते हो, और साथ इसमें जोड़ लीजिए कि जिस तरह का भरतपुर का सेंटिमेंट रहा है, उस सेंटिमेंट में कोई प्रतिबद्धता नहीं चलती, सिर्फ भरतपुर की प्रतिबद्धता चलती है। और उसमें जब विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व हिजाइनेस हैं भरतपुर रियासत के और साथ साथ में इस वक्त पर्यटन मंत्री हैं वो, और दूसरे एक मंत्री जो सुभाष गर्ग हैं, उन दोनों के मिलने के बाद में जो चेयरमैन बन रहा है वो जो बने हैं वो तो SC के हैं, और उनको बनाना और उनके जितने लोग थे निकल करके आ गए, निर्दलीय भी आ गए और बीजेपी के भी आ गए और कांग्रेस के तो थे ही, ऐसी स्थिति में आप देखिए कैसे सेंटिमेंट्स काम करते हैं। तो इनको रोकने के लिए जैसी तैयारी होनी चाहिए थी, जैसा संगठन होना चाहिए था, वो संगठन नहीं रहा, इस बात को महसूस करना चाहिए कि भाई वो प्रतिबद्धता। ये तो महसूस हो रहा, मुझे लगता है बीजेपी भी महसूस कर रही होगी कि जिस तरीके से जिस एग्रेसिव मोड में विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दिखाई दे रही थी वो थोड़ी सी लो हो गई है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा करूंगा। चंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप तो पूर्व मेयर है उदयपुर के, उदयपुर में बीजेपी की ही कहा जाए कि सरकार की वापसी हुई है, शहर की सरकार की वापसी हुई, लेकिन गुलाब चंद कटारिया इस बात को कहने से चूके नहीं कि जिस तरीके से हमें उभरना चाहिए था हम चूक गए हैं, मंथन करेंगे। क्या बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो अति आत्मविश्वास में डूबे हैं जिसकी वजह से यह हालात बीजेपी के हो रहे, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे पर राजस्थान की बात करें, सारे चुनाव को लेकर? ऐसा नहीं है, यहां संगठन एक साथ था। और एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, कौन बोल रहे बीच में, एक बार जब बात पूछिए तो जवाब देने दीजिए। तो उदयपुर का जो आप देखा है कि हमने छठी बार, राजस्थान का इतिहास है ये कि छठी बार हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया है, और वो इसीलिए कि हर बोर्ड ने अच्छे से अच्छा काम किया और इसीलिए आगे से आगे हम विकास की ओर बढ़ चले हैं। हमें चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, जितनी योजनाओं का काम अभी शहर में चल रहा है लगभग 2000 करोड़ रुपए की, वही योजनाओं का परिणाम रहा। बाकी आप देखें कि आसपास जहां भी है, राजस्थान की भी आप चर्चा कर रहे थे, संभाग की चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए यहां जब बात करते हैं कि हमारा बोर्ड बना, आपने कहा भी कटारिया साहब ने कहा कि चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, तो वो तो समीक्षा तो हर एक की करनी चाहिए, आप जीते तो भी ना, कम सीट आए तो भी चिंतन या मंथन करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये तो हर पार्टी का दायित्व बनता है। लेकिन 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर कांग्रेस पूरे चक्र को, पूरे साइकिल को बदल दे, ये मंथन से बहुत ऊपर जाकर सोचने की बात है। ठीक है, दो निगमों में आपका बोर्ड तो बढ़ गया, नहीं परिस्थितियां रही है, आप देखें से बीजेपी 25 साल में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत दूर रही है। नहीं, अभी उदाहरण देखे ना आपने, 25 साल के इतिहास में पहली बार रहा कि 7 दिन बाद चुनाव होता है पार्षद के जीतने के बाद, इतना गैप क्यों दिया जाता है? अलवर की घटना सामने दिखती है, आदमी जाके कैंप में से उठा करके लाते हैं, ये 7 दिन खरीद फरोख्त के लिए रखे थे कांग्रेस ने, और इसीलिए सब जगह इन्होंने धनबल भुजबल प्रशासन सबको उपयोग में लेकर के चुनाव जीते हैं। अरे महाराष्ट्र के एग्जांपल लीजिए, कांग्रेस कहती कि हम अपने विधायकों को, एनसीपी कहती कि हम अपने विधायकों को, शिवसेना कहती कि हम अपने विधायकों को होटल में इसलिए रखे हैं क्योंकि बीजेपी लपकने के लिए तैयार है, मतलब होटल से बाहर निकले नहीं, वहां पर पता चला कि खरीद फरोख्त, आप कहते हैं कि कांग्रेस यहां पर कर रही, ये तो विरोधाभास है। बात सुनिए, कहना आसान है, यहाँ तो हुआ है, तो खुले तो वो कहने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो घटना है सामने, अखबारों में, मीडिया में न्यूज आ रही है, जो कुछ इन्होंने किया अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। एक अलवर की घटना ही इनके लिए शर्म से डूबने के लिए बहुत सुनते है। सर देखते हैं ओम सैनी साहब रिएक्शन, मुझे मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को जोड़कर आप रिएक्शन दीजिए।
जी महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके का सारा दृश्य चला उसमें जो राणे जो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, जब सब कुछ संख्या बल का सिलसिला गड़बड़ाने लगा तो उनका कहा कि ठीक है जाने दीजिएगा, हम और ले आएंगे बाजार से, बहुत मिलते हैं। बताइए इस तरह की भाषा अगर कोई बोलता है, विधायक बाजार में बिकते हैं के साथ में बोलता है कि ओढ़ ले आएंगे, विधायक बाजार में बिकते हैं, पार्षद बाजार में बिकते हैं, यहाँ पर यहाँ देखने को मिला कि चंद्र सिंह कोठारी साहब या चर्चा के नाम पर जी विधायक बाजार में बिकते हैं, बहुत महंगे ऐसे पांच विधायक थे और एक भी विधायक को हमको होटल में नहीं रखना पड़ा। कौन से विधायकों की चरित्र खराब था जो बिकने का डर था? से वो सारे याद होटल में बैठे हुए थे। कांग्रेस ने, एनसीपी ने और शिवसेना ने अपने विधायकों को बंद किया है। भारतीय जनता पार्टी का 105 विधायक पूरे खुले में घूम रहे थे। विधायक बिकाऊ किसके हैं आप ही बताइए? पंकज बिकने का जो मादा है वो किसमें है? भारतीय जनता पार्टी अरे सुनिए, अगर ये जस्टिफाई करते हैं सुनिए कि ये दिवालिया हो गए दिमाग से। और महाराष्ट्र में जो कुछ किया जिस ढंग से किया, रात को गए और वो संवैधानिक तरीके से लगता था कि संवैधानिक तरीका नहीं था कोर्ट में जाते ना। पंकज तो फिर आपको संवैधानिक मर्यादाओं का हनन हुआ आप अपनी बात को अगर संवैधानिक तरीके से रखते तो समझ में आता, परंतु दिक्कत आपके साथ ये थी कि आप खुद भी आपके एमएलए बिकने के लिए तैयार बैठे थे, आपके आपने उनको इसी कारण आप आज सफल हुए। जी एक मिनट, एक सेकंड सर, धैर्य रखिए। पंकज मीणा जी ये बताइए, पंकज मीणा जी ये बताइए, जब आपके पास 105 विधायक हैं, जब आपके पास 105 विधायक थे और आपको पता था कि बाकी दूसरे विधायकों को हमें लाना पड़ेगा, कहां से आइडिया आप लोगों ने लगा लिया कि भैया सरकार बन जाएगी? प्रभु जरा ये बताइए कि किस आधार पर आप लोगों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी? सारे विधायक हो तो गई किरकिरी, सारे विधायकों के समर्थन की छुट्टी लेके आए थे। अच्छा, फिर सरकार से इस्तीफा क्यों दिया गया? एनसीपी के फिर सरकार क्यों गिर गई? छुट्टी लेके आए पंकज मीणा जी साथ आए थे और पंकज मीणा जी फिर इस्तीफा क्यों दे दिया आप लोगों ने? मीडिया के सामने स्वीकार किया कि अजीत पवार जब हमारे साथ नहीं है तो हमारे साथ बहुमत नहीं है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये कोई छुपावा प्रश्न नहीं है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस व्यवहार कर रही है महाराष्ट्र की जनता के साथ में, आने वाला वो समय जल्दी बताएगा। महाराष्ट्र की जनता इसी कांग्रेस के और इसी एनसीपी के जूते मारेगी। सत्यनारायण जी जवाब, आज महाराष्ट्र जी जवाब, अगर जो जनता ने सत्यनारायण जी जवाब, बीजेपी कह रहे की तीन पहियों की सरकार है, पक्ष में दिया था बीजेपी कह रहे की तीन पहियों की सरकार नहीं चलेगी सर। भारतीय जनता पार्टी के ठीक है सत्यनारायण जी, बीजेपी कह रही तीन पहियों की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन सर उसी महाराष्ट्र में तीन पहिये का ऑटो बहुत चलता है सर। तीन पहिये देखिए, ये इनके बाद में कहने के अलावा और कुछ नहीं है। सारा देश को मालूम है कि महाराष्ट्र ने इन्होंने ऑपरेशन कमल चला करके किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को एक तरह से छोड़ दिया। और इनको जब मालूम था, इन्होंने अजीत पवार को अकेला लेकर के ये राष्ट्रीय कांग्रेस को उसको तोड़ना चाहते थे। कांग्रेस के नेताओं को भी इन्होंने पैसे का भी लालच दिए, सब कुछ दिया, मगर इनके ये एक्सपोज हो गए हैं। और टोटली महाराष्ट्र ने दिखा दिया है कि ये गोवा और मणिपुर नहीं है, और यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने बीजेपी को फ्लोर पे भी पटक दिया। लेकिन सर बीजेपी का जो दावा था, ये भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र में जो जनता ने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था, गठबंधन को दिया। अब आप ये बताइए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश, अलायंस को दिया था, समर्थन दिया था उन्होंने, ये तो बात सही है, बिल्कुल ठीक है, उसमें शिवसेना ने गद्दारी की है, बाकी अलायंस को समर्थन था वास्तव में महाराष्ट्र के अंदर, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के खून पसीना लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का नामो निशान नहीं था महाराष्ट्र में। आप करते शिवसेना पुरानी पार्टी,
आप अगर आप लोकतंत्र का सम्मान करना होता तो आप विपक्ष में बैठने की घोषणा करते। आप केवल 42 से किस प्रकार से सरकार बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल सही सैनी साहब, सैनी साहब, सैनी साहब, कांग्रेस और एनसीपी। सैनी साहब ये बताइए, ये जो अलायंस को पढ़ो, तुम जूनियर हो, तुम थे नहीं वहां पर। सैनी साहब सबसे पहला मुख्यमंत्री बना, अगर वो बना। अरे छोड़िए सर इतिहास का, छोड़िए सर इतिहास का, यहां इतिहास का जिक्र है। सैनी साहब आज किस दिन सैनी साहब, आज सैनी साहब पार्टनर क्या आज किसान ने समर्थन लिया भाकमेंट का सदर में बात सच रही है। और ये क्या सच नहीं है कि जो मैंडेट मिला था वो प्री पोल अलायंस बीजेपी और शिवसेना को मिला था। बावजूद आप की दूसरे तीसरे चौथे नंबर खिचड़ी तो सबने पकाई सर, बैठने के सपने देखते हैं, खिचड़ी तो सबने पकाई। में यही होता है 105 होने के बाद में जब 56-44 मिलते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंने कहा 56-44 मिलते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, 105 ये चुनाव बाद में कॉलिशन को तोड़ने का जो कॉलिशन में ये भी तय हुआ था कि 2.5 साल के लिए सुनिए सबको चुप करवाना चाहूंगा। कोठारी साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, ठीक है आप बीजेपी से हैं सर, लेकिन जिस आज सुनिए मेरा सवाल लीजिए सर पहले, जिस आधार पर कांग्रेस ने चुनौती दी है, जिस आधार पर कांग्रेस ने चुनौती दी है, क्या लगता है कि कांग्रेस अब कादे के तोड़ने की कोशिश की, ये नहीं की? कोठारी साहब ठीक है, मैं कोठारी साहब से सवाल पूछ रहा हूं। सत्यनारायण जी मैं आपके पास आऊंगा। कोठारी साहब आप बीजेपी से हैं सर, आप पूर्व मेयर भी रहे, लेकिन क्या लगता है कि अब 5 साल के दरमियान या 3-4 साल के दरमियान कांग्रेस ने अपने आप को रिवर्स मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है? इतनी चुनौती लग नहीं रही थी जिस तरीके से नई सरकार के बनने अभी, के बाद अभी जो काफी बातें चल रही, दो विषय पे मैं बात करना चाहूंगा। एक तो महाराष्ट्र की बार बार बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले जो अलायंस बनता है जनता उसको वोट देती है। आज शिवसेना ने जो कुछ किया, अगर वो पहले से अलग लड़के आती ना तो समझ में आता उनको किसके साथ जाना है, पर उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें जिताया था। दूसरी बात यहां की कर रहे हैं हम, राजस्थान की, मैं उदयपुर की बात करूं, आज कांग्रेस के पास केवल यहां 20% जीते हैं, और कांग्रेस वाले यहां बड़े दावे कर रहे थे अखबारों में कि हम यहां महापौर बनाएंगे। कैसे बनाओगे भाई, तुम खरीद फरोख करोगे, इसके अलावा क्या करोगे तुम सर? बड़े बड़े दावे करने के बाद तुमने नामांकन भरा है। बीजेपी को झांकना चाहिए ना, कांग्रेस को बोलना चाहिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सब दे लेते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज मैं उदयपुर की बात करता हूँ, बयान सब दे लेते हैं। अगर ऐसा नहीं आपके पास जेब में कितना पैसा है, उससे ज्यादा की बात आप कैसे कर सकते हैं? आप ही की कई प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के बोलते हैं कि हम तो भाई कैंपेन चलाते हैं पार्षदों को रखने के लिए, ताकि उनको हम प्रशिक्षण दे सकें, ये कौन सा तरीका होता है? बिल्कुल। तो इस बात को लेकर आप कोई दोनों पार्टियां नहीं बोल सकती, दोनों पार्टियां एक तरीके से तरीका आप लोगों को। सवाल हमारा है कि अति आत्मविश्वास के चक्कर में बीजेपी अपनी लुटिया डुबो रही, बीजेपी नुकसान कर रही। तो देखिए 76% लोगों ने कहा बिल्कुल रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, बीजेपी से समझने में चूक हो रही है, और यही कारण है कि बीजेपी हर जगहों पर मात खाती जा रही है, जिसकी रणनीति का, जिसके फोर्स अटेंडेंस का एक लोहा माना जाता था, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हो रही। आप सभी का शुक्रिया समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस ने उभार अपना कर लिया है, कांग्रेस अब यह समझ गई है कि जिस तरीके से रणनीति पहले बनती थी उसको बदलना होगा। सबसे बड़ा तरीका यह है कि कांग्रेस बीजेपी को किसी तरीके से अगर बैकफुट पर लाती है तो दूसरे पार्टियों से, दूसरे ताकतों से वो लड़ लेगी, और कांग्रेस इसी दिशा में आगे बढ़ रही, लेकिन बीजेपी अभी हारने वाली नहीं। सतीश पुनिया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम चुनाव हार गए, कम पार्षद मेयर हमारे बने, लेकिन विधानसभा में हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। और वही चीज उधर देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि हम देखिए सरकार, नई सरकार को बताएंगे कि सरकार चलती कैसे है, यानी टक्कर कांटे की है, जरा सी चूक सरकार में रहना या सरकार से बाहर हो जाना यह दिखाता है। बहरहाल इस चर्चा में इतना है।
हिलोज हिलोज।